أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بلى بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون अज़ीज़ तलबा, ये सूरह अनआम की वो हाँ हेलो जी उधर रख दिया था मैंने जी हाँ सूरह अनआम के रुकू नंबर 3 की तलावत मैंने की है और मैं पहले बाद मुफरदात का हल और बाद अल्फाज का इराब बता रहा हूँ और उसके बाद तर्जमा और तफसीर इंशाल्लाह की जाएगी। इन आयात में भी जो कुफ्फार मुशरिकीन थे तो उनका तर्ज अमल और जो उनकी रविश थी अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में और किताबुल्लाह के बारे में, आखरत के बारे में, तो उसका ज़िक्र किया गया है। और ये लोग किस तरह से मजाक उड़ाते थे दीन की बातों का कि ये पुराने किस्से हैं, अफसाने हैं। देखिए ये उमर अज़म बिन इफ्तराद अल्लाह कदीबन और कदम बयाती नूला फ़ुज़ालिमून, ये जो इन्नहू है तो इन्नहू में ये हु ज़मीर शान है। असल में ज़मीर शान का मर्जा ये बात का जुमला होता है, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद में हुआ ज़मीर शान है, वरना इन्नहू ज़मीर शान का मर्जा पहले नहीं होता है। असल में इन्नहू ये हु का मर्जा ही लाइफ़ ज़ालिमून है, तो उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, अल्लाह पर झूठा इल्ज़ाम लगाए या उसकी आयत को झुठलाए। इन्नहू बेशक किस्सा ये है, बेशक बात ये है कि ज़ालिम कामयाब नहीं होंगे। ये अफलाह इफलोही फलाहन के माने कामयाब होना, बाविफाल से आता है। वयोम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अयना शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून, ये तज़उमून जो है
ये नसरा ज़रबा दोनों से आता है, यहाँ तो कुरान में नसरा से इस्तेमाल किया गया है। ज़ामा यज़ामु और ज़ामा यज़ामु ज़ामन, ये ज़ामन ज़ोमन कसरा ज़म्मा के साथ, सच या झूठ कहना, कभी कभी मुतलक कहने के माने में आता है, ज़ाम फ़लानु काला फ़लानु, और अक्सर मशकूक और झूठी बातों के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर इसका इस्तेमाल मशकूक और झूठी बातों के लिए होता है, लेकिन कभी कभी मुतलक तौर पर सच कहने के लिए भी इसको बोलते हैं। अहदीस में ज़ामा काला के माने इस्तेमाल किया गया है, इसलिए उर्दू में इसका तर्जमा करते हैं ज़ामा गुमान किया। ये और जिस दिन हम उनको उन सब को उठाएंगे, क्या मतलब उठाएंगे, यानी दोबारा ज़िंदा करेंगे, फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन लोगों ने शिर्क किया, कहाँ है वो तुम्हारी शुरका, कुंतुम तज़मून, तुम जिसका दावा करते थे। सुम लम तकुन फितरतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना, ये फितनतुहुम, तो फितरतुन जमा फितनुन, इसके माने आजमाइश, शिर्क का अंजाम, यहाँ फितना शिर्क के अंजाम के माने में है। सुम लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना, ये वल्लाहि रब्बिना में जो है रब्बिना मजरूर है, अल्लाह से बदल वाक़े है, ये हफ्स की क़रात है, लेकिन इसको वल्लाहि रब्बना भी पढ़ सकते हैं, वल्लाहि रब्बना, तो ये रब्बना इससे पहले हर्फ नदा महजूफ होगा, वल्लाहि या रब्बना, तो वल्लाहि रब्बना, वल्लाहि या रब्बना, तो रब्बिना मजरूर अल्लाह से बदल है या मंसूब है, हर्फ नदा महजूफ है। और उन्दुर कैफ कज़बू अला अन्फुसिहिम वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, ये ज़ल्ला यज़िल्लु ज़लालन, ज़ाय होना, बेकार होना, हक़ रास्ते से हट जाना, भूल जाना, हैरान होना, बोला जाता है ज़ल्लल माउ फिल लबन, दूध का पानी में घुल मिल जाना, ऐसा भी इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये सुमलम तकुन फितनतुहुम, फिर उनकी आजमाइश ये होगी, इल्ला अन क़ालू वल्लाह रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, फिर उनकी आजमाइश सिर्फ ये होगी कि वो कहेंगे कि वल्लाह है हमारे रब, हम मुशरिक नहीं थे, मतलब वहाँ झूठ बोलेंगे, वहाँ अल्लाह ताला के झूठ बोलेंगे। तो देखो कैसे इन लोगों ने झुठलाया, अपने बारे में झूठ बोला, वज़ल्लानू मकान यफ्तरून, और वो जो घड़ते थे उनसे गायब हो गया, वो चीज़ गायब हो गई वो जो घड़ते थे, यानी अब उनको याद नहीं कि हम दुनिया में क्या क्या घड़ते थे। ओ मिन उम इस्तमा इलैका वो जानना अला कुलूबिहिम कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हू हो फ़ी आज़ानिहिम वक़्रा, ये अकिन्नतुन वाहिद किन्नुन, किन्न माने पर्दा, हर वो चीज़ जो किसी को छुपा दे, और वक़्रुन जमा अवक़ार, भारी बोझ, कान का बोझ यानी डांट। बल्कि अगर एक शख्स ऊंचा सुनता है तो बोल सकते हैं फी उज़ुनिही वक़्रुन, उसके कान में बोझल बोझ है, उसके कान में भारीपन है, ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और असातिर वाहिद उस्तूरा, उस्तूरा बेसनत की बात, अफसाना,
और यनहौन अनहु, ये यनहौन अनहु असल में यनहौना का मफूल भी महजूफ है। यनहौन अनहु गैरहुम अनिल ईमान बिल कुरान और बि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यनऊन ये ना यना नायन दूर होना, और ये जो अल्लाह ने कहा है जानना ला कुलूबिहिम अखिन्नतन, हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया है, तो क्यों मुजाजातन अला कुफरीम उनके कुफर के बदला के तौर पर। देखिए तर्जमा देखिए, तो ये कुफार मुशरिकीन का हाल ये था कि मक्की ज़िंदगी में बाज़ कुफार मुशरिकीन छुप छुप कर कुरान करीम सुनते थे, और उनमें से किसी को तौफीक हो जाती थी ईमान लाने की, और कुछ लोगों का हाल ये होता था कि वो ईमान नहीं लाते थे। तो उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो आप की तरफ गौर से सुनते हैं, और हमने उनके दिलों पर पर्दा बना दिया है कि उसको समझें, और उनके कान में बोझ डाल दिया है कि वो सही बात समझ नहीं पाते हैं। वहीं और अल्लाह आखिर में अल्लाह फरमाते हैं कि मक्का के कुफार मुशरिकीन ये इनका इतना बुरा हाल है कि कुरान करीम को सुनते तो हैं लेकिन ध्यान से नहीं सुनते हैं या तौफीक नहीं होती है। तो उनमें से बात ऐसे हैं कि आपकी तरफ कान लगाते हैं और हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल रखा है इससे कि वो उसको समझें, उनके कानों में डांट दे रखी है, उनके कानों में बहरापन पैदा कर दिया है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि ये इनका हाल ये है कि अगर ये लोग हर निशानी देख ले तब भी उस पर ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता इजा जाऊ का, तो अगर वो लोग तमाम निशानियां देख लें तो भी उन पर ईमान ना लाएं, यहाँ तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे खामखा झगड़ते हैं, तो यहाँ तक कि जब ये आपके पास आते हैं तो आपसे झगड़ा करते हैं। यकूदुल्लज़ीना कफरू, कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया है, इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं, ये पहले लोगों के किस्से हैं। वहम यनहौन अन्हु, वो दूसरों को उससे रोकते हैं और ख़ुद उससे दूर रहते हैं। वह युहलिकून इल्ला अन्फुसहुम, हालांकि वो लोग अपने आप को हलाक कर रहे हैं, उमा शोरून, और उन्हें इसकी समझ नहीं है। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत में इनका क्या होगा, कि और अगर आप देखेंगे ये जो इस्तेमाल किया गया है तरा, तो ये इज़ वक़िफ़ू असल में वक़फ़ा यक़िफ़ू वक़फ़न, खड़ा करना, वक़फ़ा यक़िफ़ू वक़ूफ़न, खड़ा होना, ये लाजम भी मुतादी भी है। यहाँ वक़फ़ू मुतादी है, असल में फ़ेल मुतादी ही का फ़ेल मजहूल बनाया जा सकता है, तो वक़फ़हु यक़िफ़ू वक़फ़न, खड़ा करना, बोलते हैं वक़फ़त दारो, वक़फ़त दारा, वक़्फ़ करना लाजिम भी है। वक़फ़ा यक़िफ़ू वक़फ़न वक़ूफ़न, खड़ा होना, और बदा ये बदा लहुम, तो बदा एब्दु बुदुवन, ज़ाहिर होना, और इज़ वक़िफ़ू अलन्नार, ये ए उदखिलू फ़ीहा,
भाई जहन्नम पर खड़ा होना क्या मतलब, ए उदखुलूफिया, ये मा कानू युखफूना, आगे की आयत में है मा कानू युखफूना मिनल कुफर वल ऐनात, जो छुपाते थे कुफर ऐनात या ईमान। वलो तरा, ये तरा के खिताब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या अरबी ज़ुबान का उसलूब है कि कुल्लू मई अरा, हर वो जो मुखातब बन सके, अगर तुम देखोगे ए नबी, या अगर तुम देखोगे हर वो शख्स जो मुखातब बन सके। तो काला अलैसा हाज़ा बिलहक, कालू बला व रब्बिना, काला फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफ़ुरून। तो और अगर तुम देखो जब वो जहन्नम पर खड़े किए जाएंगे, यानी जहन्नम पर दाखिल किए जाएंगे, जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे, क्या कहेंगे, या लैतना नुरद्दो, ऐ काश हम लौटा दिए जाएं, या लैतना नुरद्दो, या काश हम लौटा दिए जाएं, वला नुकज्जिब बायातना रब्बिना, क्या अच्छी बात होती कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं, और हम अपने रब की आयात की तकजीब नहीं करेंगे, हो जाएंगे मुमनीन में से। वहाँ आखिरत में कुफार और मुशरिकीन यही कहेंगे कि काश हमको दोबारा लौटा दिया जाए तो फिर हम ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस बात का जिक्र किया है, बल बता लहु मा कानू युखफूना मिन क़ब्ल, बल्कि वो जिस चीज़ को पहले छुपाते थे उनके लिए जाहिर हो गई है, बल्कि जिस चीज़ को उसके कब्ल छुपाया करते थे उनके सामने आ गई है, यानी कुफ्र का अंजाम, निफाक का अंजाम। वलो रुद्दू, अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं कि और अगर ये लोग लौटा दिए जाएं, लादू लिमा नहु अनहु, दोबारा वही काम करेंगे जिस चीज़ से उनको रोका जाता है। तो और अगर ये लोग फिर वापस भेज दिए जाएं, तब भी ये वही काम करेंगे जिससे उनको मना किया गया था, और यकीनन ये बिल्कुल झूठे हैं, और वही नूम लगा दिबून। वकालू, वो दुनिया में क्या कहते थे, दुनिया में ये कहते थे, उन्होंने कहा कि इन्हिया इल्ला हयातुना दुनिया, ये सिर्फ यही हमारी दुनियावी ज़िंदगी है, मतलब दुनिया की ज़िंदगी सब कुछ है, और हम दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे। उमा नानू बि मबूसिन वला उतराई वक़फू अलन्नार अला रब्बिहिम, और अगर तुम देखो जब ये खड़ा किए जाएंगे अपने रब के पास, काला अलैसा हाज़ा बिलहक, अल्लाह ताला कहेगा कि क्या ये हक नहीं है, वो कहेंगे बेशक। तो काला अलैसा कालू बला व रब्बिना, वो लोग कहेंगे कि बेशक ऐ हमारे रब की कसम, बेशक कसम हमारे रब की। तो अल्लाह ताला क्या कहेगा, फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफ़ुरून, तुम अज़ाब चखो उस कुफ्र के बदले में जो तुम लोग करते थे। तो ये इस रुकू का दर्स पूरा हो गया, और वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।